नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करने के लिए। और आप भी इन कार सेफ्टी और ड्राइविंग सेफ्टी के वीडियोस को आगे तक ले जाएं और हमारे इस सेफर कार फॉर इंडिया मिशन का हिस्सा बनें। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन से सारी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। एक्सेंट की डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। टाटा टियागो के अभी तक हम मल्टीपल एक्सेंट्स देख चुके हैं जहां इस हैचबैक ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एक ऐसे ही एक्सेंट चैनल पर मिस्टर अरपाज ने शेयर किया था जहां उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ शेयर किया। टाटा टियागो यहां वो करीब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला रहे थे और फिर टोल से पहले स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी बचाते हुए डिवाइडर पर चढ़ा दी और फिर गाड़ी 2 से 3 बार पलट कर ऊपर चढ़ गई। गाड़ी में अरबाज के साथ 2 लोग और थे और सभी को काफ़ी माइनर इंजरीज आई। यहाँ मिस्टर अरबाज मानते हैं कि जोश में वो गलती कर बैठे और टियागो ने एक बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी दिखाई और उन्हें और उनके साथ बैठे उनके फ्रेंड्स को सेफ रखा और आगे भी वो टाटा की ही एक और मजबूत कार लेने की सोच रहे हैं। आगे मिस्टर अरबाज से हुई बात आप सुन सकते हैं। हेलो। हाँ जी, अरबाज बोल रहे। जी जी हाँ जी। भाई यार, आपने टियागो की फोटो भेजी थी, कुछ डिटेल भेजे नहीं, आपने नंबर भेजा था। वो डिटेल मैं दे नहीं पाया था, मैं ऐसी देता हूँ आपको। हाँ बताइए। वो ना गाड़ी में ही चला रहा था। अच्छा, आपकी गाड़ी है? हाँ। ओके बताइए। गाड़ी में चला रहा था, करीबन 100 की स्पीड में चल रही थी गाड़ी। एक सडनली जैसे जो होता है ना अपना टोल टैक्स, ये बंद हो गया था। तो रात का टाइम था, वो ब्रेकर दिखा नहीं तो उसपे से चढ़ के वो रोल हो गए, 2 बार डिवाइडर में उसने टकरा गई आके। अच्छा। हाँ। तो यहाँ डैमेजेस तो काफी ज्यादा दिख रही थी फोटो में, मेरे को पूरी छत वत मुड़ गई थी गाड़ी की। हाँ, छत उल्टी हो गई थी, उसको उड़वा के अपन एसी करवाई थी। अच्छा। कांच वगैरह खोलना पड़े थे निकालने के लिए, जैसे मेरे थोड़े से हाथ में लगी थी। बाकी 2 और पैसेंजर बैठे हुए थे मेरे साथ, उनका अलग कुछ नहीं हुआ। ओके। बाकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो बहुत प्यारी गाड़ी है। अच्छा, तो टाटा की गाड़ी बताइए। टाटा की गाड़ी बहुत पसंद है मुझे, टाटा की गाड़ी डबल ले रहा हूँ अभी। अच्छा, वापस अब टियागो लेने वाला है? हाँ, टियागो अब हम पास ऑलरेडी पहले से 2 है। ओके। एक नेक्सॉन है, एक क्रेटा है। ओके। हाँ, तो ये एक्सीडेंट तो यार बड़ा मतलब खतरनाक टाइप का होता है। एयरबैग वगैरह खुले थे? एयरबैग नहीं खुले उसके, क्योंकि फ्रंटल इंपैक्ट नहीं हुआ। हाँ, इसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं हुआ, खाली रोल होके वो तिरछी टकरा गई इसमें। ओके ओके। तो गाड़ी में लेकिन आप लोग सेफ बच गए थे, एयरबैग बिल्कुल सेफ। टाटा की गाड़ी की बहुत दिल से सैल्यूट है उसको, भाई वाले शोरूम को। तो चलिए बढ़िया, मतलब किसी को इंजरी नहीं हुई, हल्की फुल्की चोट आई है आपको? बस हाथ में चोट आई है, थोड़ी सी आई थी, वो भी जो सीट बेल्ट नहीं लगाया वो था मैं। सीट बेल्ट लगानी चाहिए, सीट बेल्ट नहीं लगाई थी आपने इसमें? क्या, अरे वो गाड़ी भी थोड़ी ना स्पीड में थी, और जब घर से थोड़ा सा ही दूर चला था, करीब 100 मीटर चला होगा, इतनी स्पीड होगी गाड़ी की। एकदम तो, ब्रेकर पास नहीं है गांव के, इस वजह से। अच्छा, और गाड़ी में आपके अलावा 2 लोग और थे? और 2 लोग और थे। उनको कितनी चोट आई या नहीं आई? उनको बिल्कुल भी चोट नहीं आई, बस एक भाई के थोड़े से सर में स्प्रे आया था। अच्छा। हाँ, वही आपका विंडशील्ड तो आपका ये टूट के अंदर भी आया था कि बाहर ही गिरा था सब कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं टूटा, ये हमने तोड़ा था इसको। अच्छा, ये बाद में हुई थी गाड़ी? ये बाद में तोड़ा है, लॉक हो गई थी बाहर निकालने के लिए। हाँ। ओके ओके। तो मतलब करीबन 1.5 घंटे हम उसमें ही बैठे रहिए, निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर भाई को फोन लगाए, वो आए, उन्होंने विंडशील्ड वगैरह तोड़ के फिर निकाला। अच्छा, मतलब आपने रेस्क्यू खुद ही किया मतलब इसमें? हाँ। लोग को, अरे यार बढ़िया, मतलब बढ़िया बच गए आप लोग, मतलब बिल्ड क्वालिटी बढ़िया गाड़ी की, बिल्कुल बहुत प्यारी गाड़ी। अच्छा। टाटा की गाड़ी तो एक बलेनो है, उससे पहले हमारे पास बलेनो का एक्सीडेंट हो चुका है, बलेनो जरूर पूरी खत्म हो गई थी, तो उसको हमने घोड़े पे खड़ी करके रखी है। अब उसको क्लिक वगैरह मैं भेजूंगा उसकी, देखना, वो तो इतनी बेकार है हद से ज्यादा। तो भैया थोड़ा संभल के चलाइएगा गाड़ी आगे से ना। हाँ, वहाँ पे मेरी गलती रह गई, स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। चलिए, हाँ यार, अगर आप इस टाइप के एक्सीडेंट में सेफ रहते हैं, क्योंकि 2-3 बार जैसे आपने बोला रोल हुई, फिर भी छत मैं देख रहा हूँ कि ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा चिचकी नहीं है पूरी अंदर। विंडशील्ड भी नहीं टूटी उसकी इतनी, ये तो नॉर्मल होती है, वैसे टूट जाती है। विंडशील्ड भी आप लोगों ने बाद में तोड़ी? हाँ, 2 में तोड़ी है हमने। और एक हल्का सा स्क्रैच आया था आगे वाले पे, बाकी फिर हमने तोड़ी थी उसको, क्योंकि लॉक हो गई थी गाड़ी।
गाड़ी बंद नहीं हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी, घबराहट में हमने कुछ देखा ही नहीं, तो भाई ने डायरेक्ट तोड़ कर निकाल दिया। चलिए ठीक है यार, अच्छा हुआ आपकी मतलब बिल्ड क्वालिटी जैसे आप लोग बच गए, बट ड्राइव सेफ और सीट बेल्ट पहनिए हमेशा, ठीक है ना। सीट बेल्ट क्या एज भी कम है मेरी, उस वजह से और थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो इस एक्सीडेंट से काफी क्लियर है कि एक सेफ कार आपको बचाने के ज्यादा चांसेस रखती है, और सिर्फ किसी कार को हल्क या आयरन मैन बोलने से वो कार हल्क नहीं हो जाती है बल्कि हल्की ही रहती है, जैसा मिस्टर अरबाज ने भी बलेनो के साथ अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया। तो अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए हमेशा एक सेफ कार लें, बजट कम है तो वेट करें, पर जब भी लें एक सेफ कार लें, और इंडिया में फिलहाल काफ़ी बजट सेफ कार्स भी अवेलेबल हैं। सो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।